नमस्कार, शैक्षिक प्रसारण सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र राठौर, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आरोही आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पांडवा कैथल। आज हम आपकी 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तिका स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत अध्याय संख्या नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसका अध्ययन करेंगे। ये पहला भाग है और इसमें हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कैसे उत्पन्न हुआ? इस अध्याय का नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट उत्पन्न होना रखा गया है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या था? कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण राजनीतिज्ञों को यह कहना पड़ा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसको संकट उत्पन्न हो गया। ये माना जाने लगा कि शायद अब लोकतांत्रिक व्यवस्था बदल जाएगी भारत से और हो सकता है यहां तानाशाही व्यवस्था आ जाए। तो ये वो परिस्थितियां थी 1970 के दशक की, वो परिस्थितियां जिन्होंने पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को झकझोर के रख दिया। और वो परिस्थितियां आई जिन परिस्थितियों की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो डर लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापित होने का नेहरू के काल में था, वो आज इतना बढ़ गया कि राजनीतिज्ञों ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट तक का नाम दे दिया। इस अध्याय में आप जानेंगे कि वचनबद्ध नौकरशाही क्या होती है और वचनबद्ध न्यायपालिका के बारे में भी आप जानने का प्रयास करेंगे। और ये दोनों ही टर्म्स आपके लिए न्यू हैं। ये दोनों टर्म्स इस अध्याय में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट को समझाने के लिए डाली गई हैं कि किस प्रकार से नौकरशाही और न्यायपालिकाएं शासन के प्रति, किसी एक दल के प्रति निष्ठावान हो गई और देश में जो कार्य नौकरशाही और न्यायपालिका को, जिन कार्यों का वहन करना था, जिन कर्तव्यों को पूर्ण करना था, वो उनको नहीं कर पा रहे थे और वे किसी दल विशेष की नीतियों के अनुसार चल रहे थे। ये सारा आप इस अध्याय में जानेंगे। इसके अलावा आप जो है वो दो महत्वपूर्ण जो आंदोलन है इस अध्याय के अंदर, गुजरात का आंदोलन और बिहार का आंदोलन, इन दोनों ही अध्यायों का आप, इन दोनों ही आंदोलनों का आप अध्ययन इस अध्याय के अंदर करेंगे। और गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसने एक छोटे से क्षेत्र से शुरू होकर, एक स्टूडेंट के हॉस्टल से शुरू होकर और इतना बड़ा रूप अख्तियार किया कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन तक को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। बिहार आंदोलन जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पुनः एक बार सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया। तो इन दोनों ही आंदोलन को अभी आप इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस अध्याय में क्या कुछ आप आज पढ़ेंगे। वचनबद्ध नौकरशाही, सबसे पहले हम इस अध्याय में के इस पार्ट में जानते हैं कि वचनबद्ध नौकरशाही क्या होती है। वचनबद्ध अथवा प्रतिबद्ध नौकरशाही का अर्थ है कि नौकरशाही किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के सिद्धांतों एवं नीतियों से बंधी हुई रहती है और उसके दल के निर्देशों का पालन करती है। यद्यपि नौकरशाही को काम संविधान के अनुसार करना चाहिए, लेकिन वो संविधान के अनुसार काम ना करके किसी दल विशेष या किसी नेता विशेष के इशारों पर काम करती है और उसकी नीतियों और कार्यक्रमों को आंखें बंद करके पालन करती है। तो इस प्रकार की जो नौकरशाही का रूप है उसे हम वचनबद्ध नौकरशाही कहते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नौकरशाही प्रतिबद्ध नहीं होती। इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में प्रतिबद्ध नौकरशाही का चलन नहीं है, परंतु साम्यवादी देशों जैसे चीन है, चाइना के अंदर वचनबद्ध नौकरशाही पाई जाती है। वहां एक राजनीतिक दल है, साम्यवादी राजनीतिक दल। समस्त नौकरशाही साम्यवादी दल की नीतियों का पालन करवाने के पीछे काम करती है और उसी दल के प्रति वो प्रतिबद्ध रहती है, वचनबद्ध रहती है। तो इस प्रकार की नौकरशाही जो है वो
साम्यवादी देशों में तो पाई जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में ऐसी जो वचनबद्ध नौकरशाही का चलन नहीं पाया जाता। प्यारे बच्चों, हम वचनबद्ध नौकरशाही को अधिक विस्तार से जानें, इससे पहले हम नौकरशाही शब्द का अर्थ लेते हैं कि नौकरशाही क्या होती है। नौकरशाही, जिसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, वास्तव में फ्रांसीसी भाषा के दो शब्दों ब्यूरो, जिसका अर्थ होता है डेस्क, और क्रेशी, जिसका अर्थ होता है शासन, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है डेस्क की सरकार या शासन, अर्थात वो शासन व्यवस्था जो डेस्क के अनुसार चलाई जाती है। नौकरशाही सेवकों का ऐसा संगठन है जो पद सोपान की व्यवस्था में गुथा हुआ है। इनकी नियुक्ति या भर्ती प्रतियोगिताओं के माध्यम से होती है। एक लंबे समय तक ये अपने पदों पर बने रहते हैं और इन्हें विभाग की बारीकियों का ज्ञान होता है। असल में अगर हम कहें तो लोकतंत्र को चलाने वाले वास्तविक व्यक्ति यही नौकरशाह है। आपके जिले का के डीसी हैं, एसपी हैं, अन्य प्रशासनिक सचिव हैं, वो सारे क्या हैं? नौकरशाहों का एक अंग हैं। तो शासन व्यवस्था को ये नौकरशाह ही चलाते हैं। कोई भी मंत्री बनता है, उसे मंत्री को विभाग की बारीकियों का ज्ञान नहीं होता। ये नौकरशाह उस मंत्री को विभाग की बारीकियों का ज्ञान कराते हैं, अपितु उन्हें ये भी बताते हैं कि शासन किस प्रकार से चलता है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। और अगर नौकरशाही स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करेगी तो लोकतंत्र जो है वो अपने आप ही अच्छे तरीके से चल पाएगा। और यदि नौकरशाही किसी दल विशेष के प्रति प्रतिबद्ध हो जाती है, उसकी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकेंगे कि वहां पर लोकतांत्रिक ठीक तरीके से नहीं चल रहा। क्योंकि ये मंत्रियों को, हम बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि इनको विभाग की बारीकियों का ज्ञान होता है, तो ये मंत्रियों को अगर कोई वो इस प्रकार का कार्य करते हैं जो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के अनुसार जो कार्य नहीं है, तो ऐसे कार्यों को करने से रोकते हैं, वो अपनी सलाह देते हैं और मंत्री इनकी सलाह मानते भी हैं। लेकिन अगर ये नौकरशाह मंत्रियों को सलाह देना ही बंद कर दें, केवल वो जो बात कहें उसी बात को माने, उसी के अनुसार काम करें और संविधान को देखे ही ना, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था चल पाएगी। और यही भारत के अंदर हुआ। 70 का दशक एक ऐसा दशक था जब भारत ने वचनबद्ध नौकरशाही के दंश को झेला है। हमारी नौकरशाही जो उस समय से स्वतंत्रता से इतनी सशक्त थी, लेकिन कहीं ना कहीं 70 के दशक में एक धब्बा हमारी नौकरशाही पर लगा और वो वचनबद्ध होने का जो उनके ऊपर एक इल्जाम आया, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी था। तो आइए बच्चों, अब हम भारत के अंदर वचनबद्ध नौकरशाही का विकास और उसकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। भारत में वचनबद्ध नौकरशाही या दलीय आधारित नौकरशाही का को विकसित करने का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है 1970 के दशक में। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक मंचों से नौकरशाही और नौकरशाहों की आलोचना करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नौकरशाहों को या नौकरशाही को दल की नीतियों के अनुसार काम करना चाहिए और वो कार्य करना चाहिए जिससे दल की नीतियां अधिक से अधिक जो है लोगों तक जाएं। न केवल इंदिरा गांधी अपितु जो अन्य कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि जो हमारी नौकरशाही है उसे दल के अनुसार काम करना चाहिए। सी राजगोपालाचारी जैसे राजनीतिज्ञों ने वचनबद्ध नौकरशाही पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि यह सिद्धांत देश को बर्बाद कर देगा। और इसके पीछे क्या कारण थे, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला, वचनबद्ध नौकरशाही की जो धारणाएं हैं वो लोकतांत्रिक देशों के लिए नहीं है। वो ऐसे देश पर तो कामयाब हो सकती हैं या ठीक बैठती हैं
जहां एक दल का शासन है, जैसे साम्यवादी शासन व्यवस्था चाइना में थी, वहां पर तो संभव है, लेकिन ये भारत जैसे देश पर लागू नहीं होती। दूसरा, लोकतांत्रिक राज्यों में इस सिद्धांत को नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं और सत्ता आते जाते रहती है। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था अगर अपना ली जाए, तो हमारा देश का विकास जो है, वो दलों की इस हेर फेर में उलझ कर रह जाएगा और नौकरशाही देश को सही दिशा देने की अपेक्षा दल की नीतियों का पालन करवाने और उन्हें आगे बढ़ाने में ही लगी रहेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो थी, व्यवस्था जो है, वो लोकतांत्रिक देशों के लिए तो कतई ही सही नहीं थी। वचनबद्ध न्यायपालिका। बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक देश की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका रूपी अंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जानते हैं, लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, अन्यथा प्रजातंत्र की सरकार नहीं चल सकती। न्यायपालिका की सफलता इस बात पर आधारित है कि वह प्रशासन तथा वैधानिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। न्यायाधीश निष्पक्ष, ईमानदार, निडर, स्पष्टवादी हो। वे दलीय राजनीति से मुक्त होने चाहिए, ताकि वो निष्पक्षता के साथ वो निर्णय दे सके और ऐसी व्यवस्था स्थापित हो सके जिससे देश के अंदर लोगों का, जो देश के लोगों का शासन व्यवस्था या न्याय व्यवस्था के अंदर विश्वास बना रहे। लेकिन आप उस तथ्य की कल्पना कीजिए कि जब न्यायपालिका भी संविधान के अंदर लिखे हुए कानूनों को ना मानकर और किसी दल विशेष की नीतियों के अनुसार चलना शुरू कर दे, तो वहां क्या स्थिति होगी? यही परिस्थिति वचनबद्ध न्यायपालिका कहलाती है कि जब न्यायपालिका संविधान के अनुसार काम ना करके किसी दल विशेष की नीतियों के अनुसार काम करना प्रारंभ कर दे, तो उसे वचनबद्ध न्यायपालिका कहा जाता है। इसी प्रकार से हमने थोड़ी देर पहले किया था बच्चों, वचनबद्ध नौकरशाही। वचनबद्ध नौकरशाही का भी अर्थ यही है कि जब नौकरशाही संविधान के अनुसार काम ना करके और किसी दल विशेष या किसी नेता विशेष के पद चिन्हों पर चलकर काम करे, तो उसे वचनबद्ध नौकरशाही कहा जाएगा। जब न्यायपालिका ऐसा करती है, तो उसे वचनबद्ध न्यायपालिका कहा जाएगा। यानी कि न्यायपालिका जो है, वो किसी दल की नीतियों के प्रति वचनबद्ध हो गई। अब भारत में ऐसा समय एक दौर आया जिस समय हमारी न्यायपालिका जो है, वो वचनबद्ध होती नजर आई। लेकिन न्यायपालिका वचनबद्ध कैसे हुई? इसके पीछे भी कुछ कारण थे और न्यायपालिका को मजबूर किया गया कि वो किसी दल विशेष की नीतियों के अनुसार काम करे, वो किसी दल विशेष के दबाव में काम करे, वो वही निर्णय दे जो वो दल कहे। और ऐसा उदाहरण हमारी राजनीति के अंदर 1970 के दशक में आता है। अब जो न्यायपालिका है, इसको वचनबद्ध करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन सी वो बातें थी जिनके कारण न्यायवाची न्यायपालिका जो है, उसको मजबूर होना पड़ा वचनबद्ध होने के लिए, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। तो वचनबद्ध न्यायपालिका के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय या उठाए गए कदम कौन कौन से ऐसे कदम थे जिनके माध्यम से सरकार ने जो है वो बाधित कर दिया न्यायाधीशों को कि वो किसी दल विशेष के प्रति काम करना प्रारंभ कर दें। पहला कार्य था न्यायाधीशों की नियुक्ति। यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक बड़ा ही सरल और बड़ा ही पारदर्शी तरीके से की जाती है, राष्ट्रपति महोदय जो निर्धारित योग्यताएं रखता है उसे न्यायाधीश नियुक्त करता है सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन इस दौरान जो 1970 का दशक था, इस दशक में क्या हुआ कि जो नियुक्तियां थी उनका निर्णय प्रधानमंत्री के हाथ में आ गया। प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय माना गया और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी का निर्णय लिया जाने लगा। 1973 में
सीनियोरिटी के सिद्धांत को तिलांजलि देकर मुख्य न्यायाधीश को की नियुक्ति करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण संकेत मिलता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, न्यायाधीशों के ऊपर दबाव बना रही थी कि वो एक दल विशेष की नीतियों के अनुसार काम करें। दूसरा तरीका क्या अपनाया गया? न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता की अनदेखी। अब आप ये पूछेंगे वरिष्ठता का सिद्धांत क्या होता है? देखो बच्चों, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उन न्यायालयों के अंदर जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है एक निश्चित योग्यता प्राप्त करने के बाद। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश जो है वो बनने के लिए किसी जो उच्च न्यायालय के अंदर या तो किसी ने 10 वर्ष तक एक अच्छे वकील के रूप में काम किया हो या फिर 5 वर्ष तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में जो है वो जज के रूप में कार्य किया हो या फिर वो राष्ट्रपति जी के नजर में कानून का एक अच्छा ज्ञाता हो, उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कैसे होती है? मुख्य न्यायाधीश उन जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से जो सबसे वरिष्ठतम होता है सेवा के अनुसार, उम्र के अनुसार नहीं, सेवा के अनुसार, यानी कि जो लंबे समय से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है, अधिक समय से, सबसे अधिक, सामान्यतः राष्ट्रपति महोदय उस न्यायाधीश को जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। लेकिन 1970 के दशक में ऐसा नहीं हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता की अनदेखी की तथा उन न्यायाधीशों को पदोन्नत किया जो सरकार के प्रति वफादार थे। उदाहरण के लिए श्रीमती गांधी ने जे एम सैलट, के एस हेगड़े तथा ए एन ग्रोवर की वरिष्ठता को अनदेखा किया और श्री ए एन राय को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। हालांकि वरिष्ठता की दृष्टि से ए एन राय चौथे नंबर पर आ रहे थे, लेकिन पहले के तीन जो न्यायाधीश थे वो खुद्दार थे, वफादार थे अपने कार्य के प्रति, अपने संविधान के प्रति, और उन्होंने सरकार की नीतियों पर चलने से मना कर दिया, तो उनकी वरिष्ठता की अनदेखी की गई और श्री ए एन राय को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब ये स्थिति जब आई तो जो तीन वरिष्ठ न्यायाधीश थे, सैलट साहब, हेगड़े साहब और ग्रोवर साहब, उन्होंने क्या किया? अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इसी प्रकार की अनदेखी 1977 में पुनः श्री एच आर खन्ना की वरिष्ठता की अनदेखी करके श्री एम एच बेग को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो न्यायपालिका को वचनबद्ध करने के लिए यह हथकंडा भी अपनाया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता की अनदेखी की जाए और जो न्यायाधीश सरकार के प्रति वफादार हो, चाहे वो वरिष्ठता क्रम में भले ही नीचे हो, लेकिन उसे उच्च पद दिया जाए, मुख्य न्यायाधीश उसे नियुक्त किया जाए ताकि वो सरकार की नीतियों के अनुसार और दल की नीतियों के अनुसार काम करे। न्यायपालिका के निर्णयों का कार्यपालिका द्वारा विरोध। कार्यपालिका का यह प्रम कर्तव्य होता है कि वह न्यायपालिका के निर्णयों को लागू करे, लेकिन हमारे देश में कई बार कार्यपालिका अधिकारियों ने या तो अपने स्वेच्छाचारी शक्तियों के प्रयोग से या संवैधानिक संशोधन द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों को रद्द कर दिया गया है। और ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने आया, गोलकनाथ बनाम भारत सरकार का मुद्दा था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति और अन्य अधिकारों को अटल माना है और कहा कि संसद इनको भंग नहीं कर सकती, परंतु 24वें संशोधन द्वारा संसद ने अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया और तुरंत 25वें संशोधन द्वारा कहा कि सरकार अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए संपत्ति का ग्रहण कर सकती है। और संपत्ति का जो अधिकार था, जो हमारे संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमें दिया गया था, उसे हमसे छीन लिया गया। हमारा जो न्यायपालिका है
वो अलग बात कह रही है, लेकिन कार्यपालिका ने संशोधन के द्वारा उस बात को बदल दिया और न्यायपालिका के जो निर्णय हैं उनका विरोध जो है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाने लगा। तो ये भी कहीं ना कहीं न्यायाधीशों के ऊपर दबाव बना रही थी कि वो किसी दल विशेष के अनुसार ही काम करें। अगला, राजनीतिज्ञों द्वारा न्यायाधीशों की आलोचना। देखिए, न्यायाधीशों की आलोचना, उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की आलोचना सार्वजनिक मंचों पर नहीं की जा सकती, लेकिन ये न्यायाधीशों के जो आलोचना जो वो की गई, और इसका उदाहरण न केवल इंदिरा गांधी के काल में, नेहरू जी के काल में भी आता है। नेहरू जी और उनके कानून मंत्री श्री भीमराव अंबेडकर ने अपने संशोधन बिल को संसद में पास करवाते समय यह कहा था कि जजों की संसद में आलोचना भी करनी पड़े तो की जा सकती है। इस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण, गोलकनाथ और प्रीवी पर्स के मुद्दों में जब न्यायालय ने सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं दिए तो न्यायाधीशों की आलोचना होने लगी। और संसद में एक सदस्य श्री एमएम बनर्जी, वो तो न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव तक संसद में ले आए। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या थी, कहीं ना कहीं न्यायाधीशों के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास थी कि न्यायाधीश अपने संविधान और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करके उस दल और पार्टी के जो निर्णय हैं उनका निर्वहन करें। तो इस प्रकार की वचनबद्ध न्यायपालिका को जो है वो अपनाने के लिए या लागू करने के लिए भारत में हथकंडे अपनाए गए। बच्चों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जो हमारे बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके अंदर ये पूछा भी जा चुका है एक बार ये प्रश्न कि वचनबद्ध न्यायपालिका के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, न्यायपालिका को वचनबद्ध करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। बच्चों, इस अध्याय में आगे दो महत्वपूर्ण आंदोलन आते हैं, एक है गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और दूसरा है बिहार का आंदोलन। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में भी की थी, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन वो आंदोलन था जो एक छात्रों के हॉस्टल से प्रारंभ हुआ और मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा, इतना बड़ा आंदोलन बन गया। आप समझ सकते हैं इस आंदोलन ने कितनी प्रगति और उन्नति की। हुआ क्या था कि इस आंदोलन का प्रभाव राज्य की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा था। आंदोलन क्या था, जनवरी 1974 में गुजरात के अहमदाबाद के एनडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रावास में खाने के खर्च में 20% की वृद्धि कर दी गई। बच्चों, ये छोटे छोटे प्रश्न आप ध्यान रखें, गुजरात के अहमदाबाद के एनडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहां पर जो है वो मेस चार्जेस जो थे उनके अंदर वृद्धि की गई थी 20% की, 20% की। कई बार एग्जामिनर एक नंबर में प्रश्न पूछ लेता है, आप जरूर ध्यान रखें। तो जब ये वृद्धि की गई तो जो वहां के विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने इसका विरोध किया और वहां से आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब इस आंदोलन में नवनिर्माण आंदोलन का रूप ले लिया। छात्रों ने भी केवल इस मुद्दे को ही ना मान के अन्य मुद्दे भी शामिल कर लिए, जिसके अंदर भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, कुप्रशासन, जमाखोरी, अन्य सामाजिक व आर्थिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गया। आंदोलन के विकराल रूप को देखते हुए अनेक राजनीतिक पार्टियां भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस आंदोलन में कूद पड़ी। विपक्षी जो भी पार्टियां थी सभी आंदोलन के अंदर समर्थन करने लगी छात्रों का, और इस जो आंदोलन के अंदर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जनसंघ, भारतीय क्रांति दल सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया। अब सरकार के ऊपर इतना दबाव पड़ा इस बात का कि उस समय के जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, एक आंदोलन जो एक छात्रों के एक हॉस्टल से शुरू होता है और इतना विस्तृत हो जाता है कि
राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। और ना केवल इस्तीफा देना पड़ा, विपक्षी दलों ने वहां, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो विपक्षी दलों ने वहां लोकतंत्र बहाली की मांग शुरू कर दी। अब हालांकि जो केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और वो नहीं चाहती थी कि उसी समय चुनाव कराए जाएं, लेकिन विपक्ष का बढ़ता हुआ दबाव और राज्य में फैलती हुई अशांति ने मजबूर कर दिया गया कांग्रेस को कि उन्हें जो है वो वहां पर लोगों से चुनाव कराने के लिए वायदा करना पड़ा और चुनाव करवाने पड़े। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण और भी था चुनाव कराने के, और वो ये था कि जो मोरारजी देसाई जो थे वो एक सिद्धांतवादी नेता थे और उन्होंने ये आह्वान कर दिया था कि अगर गुजरात के अंदर चुनाव नहीं कराए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। सरकार दबाव में आई, चुनाव कराए गए और इन चुनावों के अंदर जो है वो कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई और कांग्रेस विरोधी दल की सरकार बनी। तो इस प्रकार कांग्रेस को यहां लगने लगा कि कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक जड़ें अब हिलने शुरू हो गई और श्रीमती इंदिरा गांधी को मजबूरन जो है वो आपातकाल लगाना पड़ा। अब इसी कड़ी में जो दूसरा आंदोलन है वो देखते हैं हम। बच्चों, आपको इस कार्टून के अंदर जो सामने दरी के ऊपर, ये चटाई के ऊपर बैठे हैं, वो जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण, और सामने कुछ नेताओं की भीड़ है और वो कह रहे हैं देखो वह लोकतंत्र को पलीता लगाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है और सत्ता हासिल करना चाहता है। ऐसा जो विपक्षी नेता हैं, जो सत्ताधारी नेता हैं, वो जेपी के विरोध में बोल रहे थे। तो जो अगला आंदोलन हमारा है बिहार आंदोलन, जो कि बिहार के अंदर 1974 में जो है वो चला, इस आंदोलन से ही प्रेरित होकर ये कार्टून बनाया गया था। अब आंदोलन क्या था? आंदोलन भी कुछ कुछ नवनिर्माण आंदोलन जैसे ही था। यहां भी छात्रों ने जो है जनवरी में जहां नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात में, वहीं जो है मार्च में यहां 1974 में बिहार के अंदर भी आंदोलन छात्रों ने कर दिया। और कारण क्या था? बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्नों की उपलब्धि का अभाव, बढ़ती बेरोजगारी, शासन में भ्रष्टाचार फैलता हुआ, आम आदमी के दुखों की ओर सरकार का ध्यान ना जाना, ये सारे मुद्दे जो थे वो आंदोलन का मुख्य भाग बने। और 1972 के बाद जो जयप्रकाश नारायण जो सक्रिय राजनीति से जो है वो संन्यास ले चुके थे, लेकिन जब छात्रों ने उन्हें जाकर और उनसे विनती की कि वो हमारा इस आंदोलन में नेतृत्व करें, तो जयप्रकाश नारायण ने उनकी बात को माना और वो जो है पुनः एक बार दोबारा से जो है वो सक्रिय राजनीति में आ गए। और यहीं से एक और घटना आती है आपकी, और वो है क्या? वो है आपकी संपूर्ण क्रांति। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है संपूर्ण क्रांति। का आह्वान किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के दौरान जो है वो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो ये क्रांति होगी वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में होगी और ये जो क्रांति होगी इससे संपूर्ण शासन व्यवस्था के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे। इस क्रांति और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के पीछे जेपी ने दो शर्तें रखी, क्योंकि जयप्रकाश जी को पता था कि युवा उत्साह और जोश से लबरेज हैं और वो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारा लोकतंत्र हो और हमारा आंदोलन बर्बाद हो या बदनाम हो। इसलिए जेपी ने दो बातें रखी। पहली बात, आंदोलन किसी भी दशा में अहिंसात्मक नहीं होगा, यानी कि हिंसात्मक नहीं होगा,
आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी और आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रहेगा। दूसरा, ये आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये आंदोलन बिहार से निकलकर और पूरे भारत में फैलना चाहिए और फैलेगा। जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और उन्होंने इसको व्यवहारिक बनाने के लिए 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को व्यवहारिक जामा पहनाने के लिए संसद मार्च का आह्वान किया, और जब वो संसद की तरफ चले तो विभिन्न राज्यों से विपक्षी पार्टियां भी संसद की तरफ उन्होंने मार्च किया, और अब तक इतनी बड़ी रैली राजधानी में कभी नहीं हुई थी जो जेपी के जो है नेतृत्व में हुई। इससे सरकार को विचलित कर दिया और इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं नजर आने लगा कि उनका सत्ता का सिंहासन डोल रहा है, हिल रहा है, और उसके कारण उन्हें आपातकाल लगाना पड़ा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम या इस भाग में हम इतना ही करते हैं। अगला जो भाग होगा उसमें आपातकाल कैसे लगा, आपातकाल क्या, आपातकाल जरूरी था, आपातकाल के बाद के राजनीति का विश्लेषण हम करेंगे और घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा है आपने बड़ी तन्मयता के साथ इस पूरे लेक्चर को सुना होगा, और जहां कहीं भी ऐसा कोई वक्तव्य आया है जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपने नोट भी किया होगा। तो आइए अब जानते हैं कि आपने इस अध्याय के दौरान क्या सीखा, वचनबद्ध न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। जो हमारा चैप्टर था, जो हमारी वीडियो थी, उसके प्रारंभ में हमने इसका जिक्र किया था, हम भली भांति परिचित हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया, अभी हम चर्चा कर रहे थे। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में छात्र आंदोलन पर नोट लिखिए, और वचनबद्ध नौकरशाही क्या है, ये कुछ जो वीडियो आज हमने देखी है बच्चों, उसके अंदर से कुछ प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को जो है पढ़ें, जानें, समझें, और अपनी अभ्यास की जो पुस्तिका है उसके अंदर इन प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसका सहायता ले सकते हैं, उसमें बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की गई है, और आप जो है इनको जरूर जो है अपनी अभ्यास की पुस्तिका में लिखें, ताकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो और आप सफलता प्राप्त कर सके। पूरी तन्मयता के साथ आपने ये लेक्चर सुना, और वीडियो का जो अगला भाग होगा उसके अंदर हम इस अध्याय का जो बचा हुआ हिस्सा है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।